हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट के बारे में। स्टोरेज के बारे में, अजूर के अंदर स्टोरेज हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोरेज होता क्या है। जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो आपका स्टोरेज है। जब आप ऑफलाइन डेटा स्टोर करते हो तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। यही डेटा जब हम नेटवर्क में स्टोर करते हैं तो या क्लाउड पर स्टोर करते हैं तो हम उसे नेटवर्क स्टोरेज कहते हैं। बेसिकली दो तरह का सिनेरियो है, एक होता है सैन, दूसरा होता है नैस। सैन इज ए स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपना एक 100 TB का स्टोरेज रखा है, नेटवर्क स्टोरेज रखा है। यहाँ से मैंने एज अ डिस्क इसको शेयर किया हुआ है अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो इस नेटवर्क स्टोरेज को यूज कर रहे हैं एज अ इस अपना डिस्क, अपने डिस्क की तरह से। जैसे आप अपने ऑफलाइन स्टोरेज में क्या करते हो, अपने हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करते हो, ठीक इसी तरह ये सिस्टम्स जो हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटवर्क स्टोरेज से हार्ड डिस्क को यहाँ पर, इस स्टोरेज को यहाँ पर एज अ हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं और उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपका सिनेरियो बनता है सैन का, स्टोरेज एरिया नेटवर्क का। ये केवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अपने नेटवर्क के अंदर ही यूज होता है। अगर मैं दूसरे स्टोरेज की बात करूं एनएस की, यानी नेटवर्क अटैचमेंट स्टोरेज, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 100 TB का नेटवर्क स्टोरेज रखा और मेरे दूर दूर ब्रांचेज है, मुंबई, कोलकाता, दुबई। यहाँ के सिस्टम्स इंटरनेट के थ्रू हमारा जो है कनेक्टिविटी बन रहा है और वहां से हम नेटवर्क स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा नेटवर्क अटैचमेंट स्टोरेज है। इसका एग्जाम्पल आप यूज भी करते हो, लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सब आप यूज कर रहे हो। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क अटैचमेंट स्टोरेज। तो ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट स्टोरेज काम करता है और जो हमने मैंने पहले आपको दिखाया था ये ब्लॉक स्टोरेज की तरह काम करता है। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होगा कि ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, क्योंकि क्लाउड फंडामेंटल में मैंने आपको कराया था। क्लाउड स्टोरेज दो तरह के होते हैं, ब्लॉक स्टोरेज जो एज अ हार्ड डिस्क आपके डिस्क की तरह यूज होता है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करते हैं, वो आपका ब्लॉक स्टोरेज होता है। जो AWS में EBS की तरह आप यूज कर रहे थे तो वो ब्लॉक स्टोरेज था जो आपका एज अ डिस्क यूज हो रहा है। दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जहां हमारा डेटा स्टोर होता है। तो डेटा में भी और इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, फोल्डर्स कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज के चार पार्ट मैंने आपको बताए थे, ब्लॉक, बाइनरी, लार्ज ऑब्जेक्ट, जो हमारी लार्ज फाइल्स को भी सपोर्ट करे वो ब्लॉब होता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, हमारे डेटा जो सेव है उसका जो रिकॉर्ड्स और सारी चीजें स्टोर हो रही हैं, दैट इज आवर मेटा डेटा। ऑब्जेक्ट आईडी, जो हमने डेटा स्टोर किया है उसकी कोई आईडी क्रिएट की होगी, जो आपका एज अ ऑब्जेक्ट नेम जा रहा है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट आईडी। एंड लास्ट वन इज योर रेप्लिका, यानी आपके अपडेट्स फाइल पर शेयर हो रहे हैं, इन सिंक हो रहे हैं, उनको हम रेप्लिका कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज के पार्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज आपका यहाँ पर चार तरह से हो गया, ब्लॉब, मेटा डेटा, ऑब्जेक्ट आईडी एंड रेप्लिका। ये तो आपके नॉर्मल क्लाउड स्टोरेज के मैंने आपको टाइप बताए, लेकिन अगर मैं अज्योर स्टोरेज की बात करती हूँ तो अज्योर स्टोरेज क्या होता है। अज्योर स्टोरेज चार पार्ट में होता है, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूइंग। तो ये कंटेनर और फाइल शेयर एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो फाइल, PDF, फोल्डर, इमेजेस, वीडियोस रखता है। और स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली आपने जैसे SQS में किया होगा, AWS में भी मैंने आपको कराया था, RDS और DynamoDB का आपको एग्जांपल दिया था। DynamoDB आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था और RDS आपका स्ट्रक्चरल डेटा था, जहाँ SQL के बेसिस पर आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर टेबल और क्यू भी क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है, यानी SQL डेटा अगर हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर रखते हैं। तो चार तरह के आपके HOR स्टोरेज हो गए, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल एंड क्यूइंग। ये तो आपके टाइप ऑफ डेटा, जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो किस तरह का डेटा है उसके बिहाफ पर आप ये सेलेक्ट करते हो। इसके अलावा भी अज्योर स्टोरेज सेलेक्ट करते समय आपको कई सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जिनकी डिटेल हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम एक्सेस की बात करें तो डेटा एक्सेसिंग आप कैसे कर रहे हो, हॉट एक्सेसिंग। ये जो है
ये हाई कॉस्ट पर होता है हमारा, ये हाई कॉस्ट पर हमारा डेटा है, जब आपका फ्रिक्वेंटली जिसकी एक्सेस, जिस डेटाबेस की मुझे एक्सेस फ्रिक्वेंटली रखनी है, यानी आप ज्यादातर इस डेटा को यूज करते हो, वो हम हॉट डेटाबेस के अंदर, हॉट एक्सेसिंग के अंदर रखेंगे, जिसकी हमको कॉस्ट भी ज्यादा पे करनी होती है। और कूल का मतलब लो एक्सेसिंग रखा है, लो एक्सेसिंग डेटा है इसका, लो एक्सेस है, लेकिन इसका रेट क्या है, चीप है, यानी ये सस्ता आपको पड़ेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमें रेयरली कभी कभार यूज करना है, उसे हम कूल जो है एक्सेसिंग के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको खुद सेलेक्ट करना होता है कि आप अपने डेटाबेस की एक्सेसिंग हॉट रखना चाहते हैं या कूल रखना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस टाइप। जब आप डेटा स्टोरेज बनाते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आपका डेटाबेस जो एक्सेसिंग परफॉर्मेंस है, यानी नेटवर्क परफॉर्मेंस, आपकी जो ट्रैफिक है, नेटवर्क ट्रैफिक है, वो परफॉर्मेंस आप कैसी रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, स्टैंडर्ड यानी जो उनका नॉर्मल स्टैंडर्ड दिया हुआ है उन्हीं स्टैंडर्ड पे रखना चाहते हो, तो आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे। अगर आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हो, यानी हाई ट्रैफिक आप लेना चाहते हो, स्मूथ फ्रिक्वेंसी यार आपको चाहिए, तो आप प्रीमियम ले सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो परफॉर्मेंस टाइप भी आप डिसाइड करते हो कि आपको स्टैंडर्ड रखना है या प्रीमियम रखना है। तो हम यहाँ पर खुद डिफाइन करते हैं कि हमें स्टैंडर्ड बेसिस पर परफॉर्मेंस चाहिए या प्रीमियम बेसिस पर चाहिए। नेक्स्ट है आपका, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि एज्योर स्टोरेज जो है हमारा चार तरह से हो जाएगा। कंटेनर और फाइल शेयर जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो स्टोरेज में हम पीडीएफ, डॉक्स, इमेजेस, वीडियोस रखते हैं। दूसरा हमारा टेबल और क्यूइंग है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है जिसमें हम एसक्यूएल बेस पे अपना डेटाबेस रखते हैं, दैट में भी माई एसक्यूएल, ओरेकल, कोई भी डेटाबेस हम रखना चाहते हैं तो टेबल या क्यूइंग में जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। अब जब हम डेटाबेस रख रहे होते हैं तो ये हमसे कई तरह के डिफाइन लेता है कि हमारा पर्पस क्या है इस डेटाबेस का, यानी हम इसका जो है कितने लोकेशन पे ऑटो बैकअप रखना चाहते हैं। तो जनरल पर्पस के अंदर जाके आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मुझे LRS चाहिए, GRS चाहिए, ZRS चाहिए या GZRS चाहिए। व्हाट आर इट मींस, इसको भी देखते हैं अंदर। LRS जो है वो RED5 को सपोर्ट करता है और तीन कॉपी रखता है सिंगल लोकेशन, एक ही लोकेशन के ऊपर तीन कॉपी रखता है, यानी कि एक तरह से आपका इमरजेंसी रिस्क कवर करने के लिए आपके पास तीन लोकेशन, तीन कॉपी उसकी एक ही लोकेशन पे रखा हुआ है। बाय चांस अगर एक दो कॉपी आपकी रिमूव भी हो जाती है तो आप वहां से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही लोकेशन पर है, किसी लोकेशन में अगर मुझे प्रॉब्लम आ गई तो हम उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। GRS का मतलब है थ्री कॉपी इन ईच टू जियो लोकेशन, यानी दो जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर हम तीन तीन कॉपी रखेंगे, एक लोकेशन पर तीन रखेंगे, दूसरे लोकेशन पे तीन रखेंगे, यानी सिक्स कॉपीज आपकी हो गई और वहां से आप डेटा रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके जो है कोई एक लोकेशन पे अगर कवर होता है, मतलब खराब होता है आपकी डेटा कॉपी, तो दूसरे लोकेशन से हम उसे रिकवर कर सकते हैं। ZRS मतलब नाइन कॉपीज रखता है ZRS, छह रीड राइट डेटाबेस रखता है और तीन रीड ओनली रखता है, यानी नाइन कॉपीज आपकी रहती है। ZRS में आपको केवल सिक्स कॉपी मिल रही थी, ZRS पर आपको नाइन कॉपी मिलेगी। GZRS पर 12 कॉपी मिलेगी, 9 रीड राइट डेटाबेस है और 3 रीड ओनली डेटाबेस है, तो जितना आपका इम्पोर्टेंट डेटाबेस है उसकी तरफ से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको हम उतना रख सकते हैं। ये तो आपकी सारी डिटेल थी, जब आप अपना अपना डेटा स्टोर बना रहे हैं तो आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए और उसके हिसाब से आप कॉन्फिगर करेंगे। तो हम यहाँ पर रख देंगे कि हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा डेटा है जितनी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका स्टोरेज अकाउंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर जब भी आपको कोई स्टोरेज बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। याद होगा सबसे पहले जब मैंने आपको एज्योर कराया था सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आपका एक रिसोर्स ग्रुप बनता है। वो रिसोर्स ग्रुप आपका क्या होता है, एक तरह से कलेक्शन का काम करता है। जितने भी रिसोर्सेज आप कॉन्फिगर करेंगे
उसके अंदर वो आपके रिसोर्स ग्रुप को रखेगा, यानी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका रिसोर्स ग्रुप होता है और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपके रिसोर्सेस का कलेक्शन होता है। ठीक इसी तरह स्टोरेज का कलेक्शन जो है वो स्टोरेज अकाउंट के अंदर होता है। तो जितने भी आपके स्टोरेज कॉन्फ़िगर होंगे वो एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसके अंदर एक रिसोर्स ग्रुप बनाइए, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर एक स्टोरेज अकाउंट बनाइए और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर आप अपना स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टोरेज अकाउंट के अंदर आपको कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल, क्यूइंग मिलेगा। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे, तब तक हम आपको सिर्फ आईडी कॉन्फ़िगर करना सिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए रिसोर्स ग्रुप पे जाते हैं कि हमारा रिसोर्स ग्रुप है या नहीं है, ये देखते हैं। मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप कॉन्फ़िगर है RG1 के नाम से, तो हम इसी के अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे, स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। तो आपको सर्च पे जाके स्टोरेज अकाउंट सर्च करना है। ये देखिए स्टोरेज के अंदर गए, यहाँ पर अभी मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है, तो हमें एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट पर क्लिक करिए, ये देखिए जैसे ही आप स्टोरेज अकाउंट क्लिक करेंगे, आपको मैंने आपसे कहा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका रिसोर्स ग्रुप होता है, तो मुझे अपना रिसोर्स ग्रुप लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने स्टोरेज अकाउंट का नाम रखना है, मैंने स्टोरेज अकाउंट का नाम रखा SA। लोअर केस नंबर 3 to 24, नंबर ज्यादा ले लिया क्या? तो एक यूनिक नेम चाहिए था, सर्च करने के लिए मैंने वीडियो पॉज किया था। यहां पर देखिए मैंने एक यूनिक नेम ले लिया, लोअर केस में होना चाहिए, नंबर एंड देन मैंने के डाल के उसे यूनिक कर दिया। इसके बाद आपको रीजन डिफाइन करना है, कोई भी रीजन आप ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा था जब आप लेंगे तो आपको ये बताएगा कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या प्रीमियम चाहिए, ठीक है? तो स्टैंडर्ड जो है रिकमेंडेड है आपका, और कि आपका जो है वो सिनेरियो जनरल पर्पस अकाउंट है तो आप उसका ले सकते हैं। प्रीमियम में लो लेटेंसी करके आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसको अगर आप लेते हैं तो उसके हिसाब से आपको देखिए प्रीमियम पे मैं क्लिक करती हूँ। अभी आपसे पूछेगा कि आप जो लेना चाहते हैं रिडंडेंसी वो कौन सी लेना चाहते हैं, LRS लोकली रिडंडेंट स्टोरेज लेना चाहते हैं, जोन रिडंडेंट ZRS लेना चाहते हैं या LRS लेना चाहते हैं, कौन सा रिडंडेंसी लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिसाइड करना होता है। जैसे मैं फाइल शेयर ले लूं तो यहाँ पे ये आपको LRS ZRS दिखा रहा है। ब्लॉब ले लेते हैं तो आप जिस तरह से आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे उस हिसाब से आपका ये रिडंडेंट स्टोरेज देगा। फ्री ट्रायल में आपको सारी सब्सक्राइब वो नहीं दे रहा है, जो आपका मैंने आपको चार तरह का बताया था, LRS ZRS जो आपको सारा बताया था वो चारों आपको यहाँ पर नहीं देगा, क्योंकि आपकी फ्री ट्रायल आईडी है उस पर आपके बिहाफ पर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अभी स्टैंडर्ड ही रख रही हूँ, मुझे प्रीमियम नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं,
ये आपसे सिक्योरिटी के लिए पूछ रहा है कि आपका जो सिक्योरिटी वर्जन इनेबल करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चीजें आप स्टोरेज अकाउंट के लिए लगाना चाहते हैं हायरार्किकल मॉडल वो आप ले सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, तो जो भी सिक्योरिटी आप जिस टाइप की चाहते हैं वो यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अपने डेटा के लिए। नेटवर्किंग के लिए जब आप आते हैं तो आप दे सकते हैं कि ये जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो उसको आपको पब्लिक एक्सेस देना है, सारे वर्चुअल नेटवर्क के लिए देना है, जैसा भी आप चाहते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आप प्राइवेट केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना चाहते हैं तो उस तरह से पब्लिक एक्सेस दे सकते हैं, डिसेबल पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पब्लिकली ये एक्सेस हो सके डेटाबेस आपका सारा डेटा, तो उसको इनेबल पब्लिक एक्सेस पे रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वो कर सकते हैं। इंटरनेट राउटिंग या माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग रखना चाहते हैं ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेट राउटिंग में आपके सारी अभी पब्लिक एक्सेस को एक्सेस मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के थ्रू करना चाहते हैं तो केवल माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग ही इसको इनेबल मिलेगी। नेक्स्ट हम करना चाहते हैं डेटा प्रोटेक्शन, हम किस तरह का डेटा प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। ये देखिए ब्लॉब्स में आ गया, मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टोरेज होता है वो ब्लॉब्स में, मेटा डेटा में और सब में डिफाइन होता है। तो ये ब्लॉब्स आपसे डिफाइन करवा रहा है कि आपको कैसा ब्लॉब्स चाहिए, सॉफ्ट डिलीट चाहिए या डेटा को रखना है 7 डेज तक, कब तक हम उसे रिकवर करने का ऑप्शन दे रहे हैं। मान लीजिए कोई डेटा डिलीट हुआ है उसे दोबारा रिकवर करना है तो हम उसे कितने दिनों तक रिकवर कर सकते हैं। वर्जनिंग आपको चाहिए, आपने आपको याद होगा कि जब आपने AWS किया था तो उसमें भी मैंने आपको वर्जनिंग कराई थी, तो आप अपने डेटाबेस के साथ वर्जनिंग रखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल इनेबल वर्जन लेबल इम्यूनिटी, मतलब कि आपका जो वर्जन है वो कितने लेवल तक काम कर सके उसके लिए हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक नॉर्मल अकाउंट बना रही हूँ तो ये सारी चीजें नहीं बना रही हूँ। ये आपसे इंक्रिप्शन मेथड पूछ रहा है कि आपका डेटा जो है वो कितने इंक्रिप्टेड, किस इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में काम करे, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की के थ्रू काम करे, कस्टमर मैनेज के थ्रू काम करे। आपको याद होगा कि आप वहां पर भी कीज बनाते थे अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए। ब्लॉब्स एंड फाइल्स ओनली ऑल सर्विस, यानी ब्लॉब्स फाइल्स टेबल क्यू, केवल ब्लॉब और फाइल के लिए आप केवल ये मैनेजमेंट की रखना चाहते हो या सभी टाइप के डेटाबेस के लिए रखना चाहते हो, यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर दोनों के लिए हम रखना चाहते हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, और अगर केवल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यानी जो आपका दो है फर्स्ट वाले अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस उसके लिए रखना चाहते हैं यानी ब्लॉब और फाइल्स के लिए रखना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला लेंगे। अब हम इस पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इसने दे दिया कि हमारा सब्सक्रिप्शन फ्री टायर है, रिसोर्स ग्रुप हमारा RG1 काम कर रहा है, लोकेशन इसकी ईस्ट US में क्रिएटेड है, अकाउंट का नाम SA1234KK है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है और लोकली रिडंडेंस यानी LRS पे हम इस पे डेटाबेस अपना बनाएंगे सारा, यानी हमें 3 कॉपी केवल मिलेगी एक लोकेशन के ऊपर। अब हम इस पर क्रिएट कर देते हैं, ये आपका इनिशियलाइज करेगा डिप्लॉयमेंट और उसके बाद इसको सक्सेस करेगा। अभी डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है, उसके बाद मैं आपको इस अकाउंट के अंदर दिखाऊंगी कि हमारे चारों टाइप के डेटाबेस हमें मिल चुके हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करिए। ये देखिए गो टू रिसोर्स पर जैसे ही आपने किया और आपको ये चारों तरह का मिल गया, कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूइंग एंड टेबल, ये चारों तरह के आपको मिल गए हैं। आप किसी को भी ओपन करके और उस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा
एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो गया है और स्टोरेज अकाउंट कंटेन्स करता है चारों तरह के आपके स्टोरेज टाइप को, कंटेनर्स, फाइल शेयर, क्यूइंग एंड टेबल, जिसके ऊपर हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे।